वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो अभी मैं हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, हमारे पीछे है गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक। आप देख सकते हैं यहाँ पे मूर्ति है गोविंद बल्लभ पंत जी की। मैं भी आपको कैमरा रोटेट करके दिखाता हूँ कितना खूबसूरत हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है। ये है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, जितने भी ऑफिशियल वर्क्स हैं कॉलेज से रिलेटेड वो सब यहीं पे होते हैं। और यहाँ पे बहुत सुंदर सा गार्डन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फूल वगैरह सब बो रखे हैं। और यहाँ पे है गोविंद बल्लभ पंत जी की मूर्ति, जिनके नाम पे हमारा कॉलेज है। तो हम चलते हैं अब आगे, एक शॉर्ट सा टूर देता हूँ मैं आपको कॉलेज का। और सामने ये है हमारे कॉलेज का मेन एंट्रेंस, जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत ही खूबसूरत सी वादियों के बीच में बसा है। देख सकते हैं गाइज आप, बिल्कुल नेचर है यहाँ पे, हम बिल्कुल नेचर के बीच में हैं। मौसम यहाँ हमेशा ऐसे ही रहता है बहुत अच्छा सा, यहाँ बिल्कुल गर्मी नहीं है ना पॉल्यूशन है। इस कॉलेज में सबसे अच्छी बात है इसका नेचर जो है, एनवायरनमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और जो टीचर्स हैं काफ़ी सपोर्टिंग है, सब कुछ जो है बहुत बढ़िया है। और पीछे आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा सीन आता है। अभी नीचे लगा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कोहरा लगा है क्योंकि आज थोड़ा मौसम ख़राब है, नहीं तो यहाँ से नीचे श्रीनगर दिखता है पूरा, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा लगता है। तो हम धीरे धीरे करके पूरा कॉलेज को विज़िट करेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपको दिखाऊँगा कहाँ पर कौन सा डिपार्टमेंट आता है। अभी भी आप एंट्री लेंगे इस कॉलेज के अंदर, आपको सबसे पहले यहाँ पे करना है अपना रजिस्ट्रेशन, मींस एंट्री करते हैं यहाँ पे। ये जो है मेन सिक्योरिटी ऑफिस है यहाँ पे, और ये आ जाता है महात्मा गांधी ऑडिटोरियम, जो अंदर से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है इसके अंदर। जितने भी इवेंट्स हैं हमारे कॉलेज के सब यहीं पे हो सकते हैं। आप देख सकते हैं जो रास्ता है दोनों तरफ से यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे गार्डनिंग की गई है। और सामने देख सकते हैं आप सिक्योरिटी रीजन से सीसीटीवी है, 360 डिग्री वाला है, चारों ओर रोटेट होता है टाइम टू टाइम, और काफ़ी अच्छा इसका रिजोल्यूशन आता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल सा ये बना रखा है एरिया, जो कि बहुत ही खूबसूरत बनाता है इस कॉलेज को और भी ज़्यादा। हमारा ऑडिटोरियम का ग्राउंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा इवेंट्स जो स्पोर्ट्स होते हैं, जोश वगैरह वो सब होता है यहाँ पे। भी चल रहा है क्रिकेट का मैच शानदार वाला, अभी शायद ख़त्म हो चुका है, बॉल शायद मिसप्लेस हो गई होगी, अभी तक मैं भी यहीं पे खेल रहा था क्रिकेट। और वहाँ पे हमारा है हनुमान जी का मंदिर, मैं अभी दिखाता हूँ आपको वो भी बाहर से। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, यहाँ पे हमारा SBI बैंक है, साथ में हमारा यहाँ पे है ATM, जो 24/7 अपनी सर्विसेज देता है। और ये सिचुएटेड है गुड़धौड़ी में, मतलब जो यहाँ पे आसपास का लोकल गांव है वहाँ का भी बैंक जो है ये यहीं पे है, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये है हनुमान मंदिर, यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है बढ़िया सी, है हनुमान मंदिर मैंने आपको जैसे कि दिखाया। और पीछे का जो व्यू है मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल है, कुछ दिखाता हूँ यहाँ से जो व्यू है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अभी बरसात का टाइम है तो घास वगैरह बहुत अच्छे से उगी हुई है, और जो सामने जो यहाँ पे बहुत बढ़िया सा सनसेट भी आता है, मैं किसी दिन आपको ब्लॉग में दिखाऊंगा, आज बादल की वजह से हमें सनसेट नहीं दिख रहा। और जो यहाँ पे है ये है मैकेनिकल डिपार्टमेंट हमारा, सामने आप देख सकते हैं वो हमारा कॉलेज का मंदिर है जो दूर पे दिख रहा है आपको, वहीं पर बैडमिंटन कोर्ट भी, हम वहीं तक चलेंगे आज। और ये है मैकेनिकल डिपार्टमेंट का बैक साइड है ये, अभी मैं आपको ऊपर से भी दिखाऊँगा। और ये हमारा EC डिपार्टमेंट, ये आपने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक तो देख ही लिया है। और जो कैंपस है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है, यहाँ पे स्टाफ को सब लोग इवनिंग वॉक करते हैं, फैकल्टी भी करती है, हम लोग भी करते हैं। और बाकी यहाँ पे मतलब एक टाइम रिस्ट्रिक्शंस दी है हॉस्टल में, हम 8 बजे के बाद हॉस्टल के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं, तो हमें जल्द से जल्द ब्लॉक को कंप्लीट करना है। अभी पीछे हनुमान मंदिर देख लिया आपने, अभी आएगी लाइब्रेरी, EC डिपार्टमेंट, CSE डिपार्टमेंट, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा EC डिपार्टमेंट जो कि बहुत खूबसूरत है ये, और सामने पे आपको जो दिख रहा है पूरा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ये हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी है, ये मतलब 3 फ्लोर्स की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बुक्स हैं, मींस 80,000 लगभग आसपास इसमें बुक्स हैं। और यहाँ पे हमें कोई भी बुक मिल जाती है, हमें बुक लेने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी ऑनलाइन परचेज नहीं करनी पड़ती, जो भी बुक्स हैं हम वो सब यहीं से इशू करा लेते हैं। मिनिमम लाइब्रेरी कार्ड में एक स्टूडेंट को 5 बुक्स इशू होती हैं। और ये हमारा सेंट्रल लाइब्रेरी, ये जो है ये है मेन एंट्रेंस सेंट्रल लाइब्रेरी की, ये तो मेन बिल्डिंग है, इसके नीचे भी जो बिल्डिंग है वो भी हमारी लाइब्रेरी है। हमारा स्टार्ट हो जाता है डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का, जो कि 3 फ्लोर्स में, अभी हमें ऊपर से यहाँ पे 2 फ्लोर्स ही नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे जो व्यू है अच्छा सा आता है, ये जो इलाका है जो ग्राउंड है यहाँ पे जो है मतलब पार्किंग रहती है। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, तो हमने फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर में हमारा इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट था, हमने यहीं पे स्टडी किया था। वो ये सामने है CSE डिपार्टमेंट, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है इस कॉलेज में, सबसे पहले जो भी रैंक है क्लोज वो इसी की होती है। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, यहाँ से हम अंदर जाते हैं गेट के, और इसके सामने मतलब ये है बढ़िया सा गार्डन है,
यहाँ पे कब से घास वगैरह उग रखी है लेकिन इन्हें साफ नहीं किया। मतलब जो भी गढ़वाल रीजन के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो सब ऑनलाइन यहीं पे होते हैं गाइज। यहाँ पे क्या है NTA CUET JEE में सब एग्जाम जो है ऑनलाइन यहीं पे होते हैं, PG हो चाहे UG हो। सकते हैं हमारा जो डिपार्टमेंट है बाहर पे गमले रखे हैं, ये हमारा मेन डिपार्टमेंट आता है अंदर जो कि बहुत ही खूबसूरत सा है। अभी क्लासेस जो हैं वो बंद हैं फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा जो है हमारा ही डिपार्टमेंट आता है इसके अंदर। अभी ये लॉक है तो इसके अंदर नहीं जा सकते हम। हमारी जो क्लासेस हैं इससे नीचे वाले फ्लोर में होती हैं और यहाँ पे कुछ हमारे PEOs जो होते हैं, PSOs होते हैं, मिशन क्या है कॉलेज का, ब्रांच का मिशन क्या है, विजन क्या है, वो सब है। यहाँ पे हमारे कुछ नोटेबल जो एलुमनाई हैं जो बहुत सक्सेसफुल हुए हैं इस कॉलेज से तो उनके नाम हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, टीचिंग स्टाफ है, उन सबका नाम है और जो मेजर रिक्रूटर कंपनी है उनके भी यहाँ पे नाम है। तो अभी हम चलते हैं आगे पे। यहाँ पे लगे हैं बहुत बड़े बड़े रिसीवर। जब पहले के टाइम इंटरनेट नहीं हुआ था तो इसी से जो है यहाँ पे इंटरनेट सुविधा होती थी क्योंकि कॉलेज काफ़ी ज़्यादा पुराना है। तब मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं होते थे जितना पुराना ये इंस्टीट्यूट है हमारा, टेलीफोन्स हुआ करते थे। तो ये सब जो थी वायरलेस टेक्नोलॉजी थी जो पहले होती थी। ये जो क्लास है ये क्लास है फर्स्ट ईयर की, CSE की क्लास है। यहाँ पे जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे हम लोगों ने यहीं पे पढ़ाया फर्स्ट ईयर अपना पूरा। और यहाँ से भी एक रास्ता ये बंद हो जाता है शाम को और बाकी जो व्यू है वो तो हर जगह से ही बेस्ट आता है। अभी यहाँ पे से हमें जो नीचे बिल्डिंग्स हैं ये पूरी मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बिल्डिंग्स है। बारिश की वजह से, पाली की वजह से पूरा पेंट उखड़ चुका है इनका। आप देख सकते हैं उस दिन DM सर ने आके यहीं पे की सफाई की थी, लेकिन देख सकते हैं कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को जैसे ही DM ने सर आए थे उस दिन बस साफ सफाई की गई, उसके बाद वापस से यहीं पर डंप कर दिया सब पूरा। ही अच्छी बात है, अगर आप लोग देख रहे हैं कोई एडमिनिस्ट्रेशन से देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको साफ़ करवाइए क्योंकि कैंपस की सुंदरता उसका जो है जितनी साफ़ सफाई रहेगी उतना अच्छा हमारा सुंदर रहेगा। इतने अच्छे नेचर में हमें ये लोकेशन मिला है, हमें गंदगी नहीं करनी है इस कॉलेज में। इतने ज़्यादा कूड़ा फैला के इस कॉलेज को ख़राब करना हमारा मकसद नहीं है। नेस्कैफे है यहाँ पे, मतलब कैफेटेरिया टाइप का। यहाँ पे हमें बर्गर, सैंडविच, कॉफ़ी सब कुछ मिल जाते हैं यहाँ पे। और जो अभी ये डिपार्टमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये हमारा सिविल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट जो कि काफ़ी बड़ा है। और जो आपको ये पीछे बादल दिख रहे हैं यहाँ पे पूरे हैं, हिमालय की रेंज नज़र आती है। आज मौसम ख़राब है तो रेंज नहीं आ रही है, मैं किसी और व्लॉग में आपको दिखाऊंगा और पहले भी दिखाए हुए हैं। चौखंबा पर्वत, केदारनाथ, ये जो भी रेंजेस आती हैं गंगोत्री वो सब आती हैं। और यहाँ पे है नेस्कैफे जो कि बहुत पुराना है, मतलब बहुत टाइम हो गया इस बिल्डिंग को खुला हुआ। ये डिपार्टमेंट आ गया है बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट, जितनी भी रिसर्च हैं। जैसे हमें पता है कि बायोटेक्नोलॉजी का भी हमारी बहुत ज़्यादा रोल है। हमने कोविड में देखा था बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ी थी, जो वैक्सीन थी जो रिसर्च किया था वो हमारे जो बायोटेक्नोलॉजी के इंजीनियर्स हैं उन्होंने किया था। तो इस डिपार्टमेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ये पूरा डिपार्टमेंट है बायोटेक्नोलॉजी का। और जो हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट है ये है सिविल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट। सिक्योरिटी चेक पोस्ट है हमारे कॉलेज में, अलग अलग जगह पे सिक्योरिटी जो चेक पोस्ट है वो मिलते हैं ताकि स्टूडेंट्स की सेफ्टी रहे, कहीं लड़ाई वगैरह ना हो। और जैसे ही हम आगे को जाएंगे अभी इधर पे आ जाते हैं हॉस्टल्स और आगे को है मतलब जो टीचर्स हैं उनके क्वार्टर्स भी यहीं पे हैं। और ऊपर पे जो आपको दिख रहा है वहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट है, मंदिर भी ऊपर ही साइड पे है। तो आपने मेरे व्लॉग्स में पुराने व्लॉग्स में भी देखा ही होगा, ये तो बहुत ब्यूटीफुल सा व्यू आता है। ये जो है ये सब फैकल्टी के हाउसेज हैं और नीचे है फर्स्ट ईयर का हॉस्टल कैलाश, नीचे दिख रहा है, पहले हम भी वहीं पर रहते थे। और अभी आप देख सकते हैं उधर पर फ्रॉग हिल मंदिर, वहाँ का भी मैंने आपको व्यू दिया ही है। और ये जो है यहाँ से तो बहुत अच्छा व्यू आता है, मैंने काफ़ी शॉट्स भी बनाए हैं इधर। और ये जो है ये है इसको बोलते हैं ट्रांजिट हॉस्टल, ये है टीचर्स का जो फैकल्टी वो यहाँ पे रहती है। ये एक और कैफ़े है यहाँ पे प्रियांशु नाम से, तो यहाँ पे भी सब कुछ मिल जाता है खाने पीने का। और ये है केदार ब्लॉक, ये है शिवालिक ब्लॉक और आगे पे आ जाता है नीलकंठ हमारा। ऊपर का जो टूर है वो हम देखेंगे आगे को, देखते रहेंगे नए नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में बस मैं आपको इतना ही टूर दे रहा हूँ। आगे जो ग्राउंड है, टेंपल है और भी चीज़ें हैं, आगे हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स हॉस्टल आते हैं आगे और भी चीज़ें हैं काफ़ी, उसका टूर मैं आपको बाद में दूंगा। बाकी मेजर डिपार्टमेंट्स मैंने आपको दिखा दिए कॉलेज के। एक अप्लाइड साइंस होता है बच्चा है वो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। क्या था जैसे कि अप्लाइड साइंस मैं कल के ब्लॉग में दिखाऊंगा, मैंने कहा सब डिपार्टमेंट्स दिखाई दिए हैं तो अप्लाइड साइंस ने क्या बिगाड़ा। जो डिपार्टमेंट है ये अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ का। और यहाँ पे है गेस्ट हाउस, जैसे कभी कोई गेस्ट आते हैं तो हमारे कॉलेज में वो यहीं पे स्टे करते हैं। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले हनुमान मंदिर दिखाया था, वहाँ पे रोज़ पूजा होती है, पूजा तो हमारी जो ऊपर मंदिर है वहाँ पे भी होती है, तो रोज़ यहाँ पे लगते हैं भजन वगैरह। तो मंदिर में चल रहे हैं भजन पूजा, मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे। तो गाइज आप सुन सकते हैं यहाँ पे भजन लगाए हैं अभी स्पीकर में, रोज़ इवनिंग में इसी टाइम में यहाँ पे भजन लगते हैं। हम लोग कुछ बच्चे रोज़ डेली पूजा करने भी आते हैं, हम लोग भी आ जाते हैं कभी कभी। और
ये व्यू तो मैं आपको दे ही चुका हूँ पहले, और आप देख सकते हैं कितना पीस है यहाँ पे, कोई बैठा भी नहीं है, ज़्यादा शोर भी नहीं है, ज़्यादा लोग भी नहीं है। बस आपको यहाँ पे जो मिलेंगे या तो बच्चे मिलेंगे वॉक करते हुए या फैकल्टीज़ मिलेंगी। ये आपको दिख रहा है ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम के जस्ट पीछे साइड भी आपको यहाँ पे बिल्डिंग दिख रही होगी, यही हमारा हॉस्टल है नया वाला। ये हमारा हॉस्टल है वही है जो मैंने भी आपको दिखाया, फर्स्ट ईयर में हमारा डिपार्टमेंट से पास था, इस बार थोड़ा सा दूर पे है, कैंपस से भी थोड़ा सा बाहर को कह सकते हैं आप इसको, बाउंड्री से नीचे साइड पे है। उसके बगल में हमारी फैकल्टी के रूम्स भी हैं, मतलब रहने वाले क्वार्टर्स। तो अब चलते हैं हॉस्टल में। मैं पहुंच चुका हूँ हॉस्टल में, और आज के ब्लॉग में मैंने आपको दिया है GBPIT का कैंपस टूर, और अब हम जल्दी बनाएंगे अगला ब्लॉग। तो देखते रहिए हमारे ब्लॉग्स को, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।